है कि हम गल्फ कैसे जाएं, कौन से एजेंट सही है, कौन से एजेंट सही नहीं है, कौन सा एजेंसी, कौन सा कंसल्टेंसी सही है, कौन से कंसल्टेंसी सही नहीं है, किसको पर ट्रस्ट करें, किसको पर ना ट्रस्ट करें, कौन कितना पैसा खा लेगा, ये सब का बहुत टेंशन रहता है। सो अगर आपको एक ट्रस्टेड और जेन्युइन एजेंसी और कंसल्टेंसी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप गल्फ कंट्री आना चाहते हैं एज के जॉब में, अगर आप एक अच्छे एजेंट के तलाश में हैं, एजेंसी के तलाश में, एक अच्छे ऑफिस के तलाश में हैं, तो ये वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो आपकी बहुत काम आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैनिक शेख ब्लॉग। मैं सोच दो आज की जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आजकल के यंग जनरेशन में जो भी गल्फ कंट्री आना चाहते हैं, जो भी फ्रेशर हैं, गल्फ कंट्री आ चुके हैं या आ भी चुके हैं, उनका दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन सवाल रहता है कि हम गल्फ कैसे जाएं, कौन से एजेंट सही है, कौन सा एजेंट सही नहीं है, कौन सा एजेंसी, कौन सा कंसल्टेंसी सही है, कौन सा कंसल्टेंसी सही नहीं है, किसको पर ट्रस्ट करें, किसको पर ना ट्रस्ट करें, कौन कितना पैसा खा लेगा, ये सब का बहुत टेंशन रहता है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 कंसल्टेंसी के बारे में बताऊँगा डिटेल्स में, और जो बेस्ट 5 एजेंसी हैं मैं आपको डिटेल्स में उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनका लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड एजेंसी हैं और ये सब रेपुटेड है, और इसमें से बहुत से कंसल्टेंसी जो हैं उनको अब गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट भी मिली है कि अच्छी कंसल्टेंसी है। तो मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ बताऊँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इसी तरीके का कंटेंट, जॉब से रिलेटेड सारा कुछ रिक्वायरमेंट, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली नंबर 5 पोजिशन में जो हमारा कंसल्टेंसी हम रखे हैं उस पर रखे हैं साउंड लाइन कंसल्टेंसी, और ये मुंबई में है, और इसमें जो फर्स्ट फ्लोर कमल मैंशन ब्लू व्हाइट पर्ल होटल और हाजी एन ए आजमी मार्ग कोलाबा मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं इधर, तो वन बाय वन मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता रहूँगा, आप देखते रहना, नोट भी करना, और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आता रहेगा आप सेव कर लेना अगर आपको ज़रूरत है तो। तो ये हो गया साउंड लाइन कंसल्टेंसी नंबर 5 में है। और नंबर 4 में हम रखे हैं एचआर कंसल्टेंसी, जो एचआर कंसल्टेंसी है, एचआर कंसल्टेंसी में बहुत सारा मतलब ये है, जैसे कि एम घी वाला ग्लोबल हो गया, एफ घी वाला ग्लोबल हो गया, ये सब ट्रस्टेड एजेंसी हैं। इसमें बहुत सारा वैकेंसी आता रहता है हमेशा, और ये लोग के पास जो भी बाहर गए हैं जॉब करने के लिए, ये लोग से हमेशा सेटिस्फाई आए हैं। इनके लोग का रिव्यू भी आप देख सकते हैं, जाके उनके वेबसाइट में इनका रिव्यू भी देख सकते हैं। और ये लोग के पास से कभी भी अगर आप जॉब लगाते हैं, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाएगा ये लोग पैसे नहीं लेते हैं, आपका वीज़ा आ जाएगा तभी पेमेंट लेते हैं। बाकी आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग में कितना जो भी पेमेंट का बात होगा वो आप ही लोग समझिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट वीज़ा आने के बाद ही दीजिएगा तो सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग में। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से टिप है। और नंबर 3 में हम बात करेंगे सीगुल इंटरनेशनल का। सीगुल एजेंसी जो है ये बहुत ही रिपोर्टेड कंपनी है और बहुत ही ट्रस्टेड एजेंसी है ये भी, और इसकी जो एड्रेस है ये विलिंगटन बिजनेस पार्क में है, नियर मेट्रो स्टेशन मेट्रो अंधेरी ईस्ट में है मुंबई में। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी सब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अभी देख लेना आप और इसको नोट भी कर लेना। और ये भी सीगुल जो है बहुत ही ज़्यादातर ये यूरोप भी भेजती है, जैसे सर्बिया रोमानिया हो गया, यहाँ भी ये भेजती लोगों को जॉब में वैकेंसी आता है इस एजेंसी के पास। गल्फ कंट्री में तो अवेलेबल रहता ही है, और ये यूरोप भी भेजते हैं, जैसे कि हमारा सर्बिया और क्रोएशिया और रोमानिया हो गया। तो ये हो गया नंबर 3। तो नंबर 2 में जो कंसल्टेंसी है वो एम घी वाला कंसल्टेंसी है, और ये एचआर कंसल्टेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी है, और ये बहुत ही रिपोर्टेड है, बहुत ही ट्रस्टेड एजेंसी है। और जो मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरब एंटर किया था, जो कंसल्टेंसी जिस एजेंसी के ज़रिए मैं सऊदी अरब आया था 2019 में फर्स्ट में, तो वो घी वाला ही कंसल्टेंसी है। और जैसे ही आप इनको कॉल कीजिएगा सबसे पहले ये आपको CV मांगेंगे, और जब आप इनको CV अपना सेंड रिज्यूम जो है सेंड करने के बाद ये आपको कॉल करेंगे, आपके लिए वैकेंसी वगैरह जो भी अवेलेबल है सब बताएंगे। तो इनका जो एड्रेस है नोट कीजिए, इनके जो एड्रेस है मैं आपको बता रहा हूँ, अशोका हॉल RCDA ब्रिज GRD शोरूम बिहाइंड टाटा थिएटर
न्यू ओबराय नारी वन पॉइंट मुंबई, नोट करना इसको। और यहाँ पे मैं आपको साइट में दिखा दूंगा और इसका मोबाइल नंबर वगैरह भी जो है मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना। बाकी आपको जॉब की जितने भी रिक्वायरमेंट रहेगी ये आपको पूरा हेल्प करेंगे, जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी इंटरव्यू वगैरह जो भी रहेगा उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। कोई जो भी क्वेश्चन आंसर जो क्लाइंट के जरिए जो भी होता है वो सब ये हेल्प करते हैं। और नंबर वन कंसल्टेंट्स का जो बात करेंगे हम यहाँ पे, नंबर वन में हम रखे हैं असमैक्स को, ये भी बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी है। ज़्यादातर ये गल्फ की रिक्वायरमेंट लेकर आता है, गल्फ के किसी भी कंट्री में आप इसकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगा आपको। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर आपको या सऊदी पसंद नहीं है या दुबई पसंद नहीं है या कतर पसंद नहीं है, आपको जहाँ भी पसंद है, यानी कि आपको कुवैत जाना है, बहरीन जाना है, ओमान जाना है, या तो फिर दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, कहीं भी जाना है, यूएई जाना है, तो आपको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इस कंट्री में जाना चाहते हैं, मुझे इस कंट्री में जॉब दिला दीजिए, तो इस कंट्री में आपको ये जॉब दिला सकते हैं, इनके पास इतना ताकत है। तो ये बहुत ही अच्छी एजेंसी है, इसका एड्रेस नोट कीजिए, साई चैम्बर फोर्थ फ्लोर अपोजिट रेलवे स्टेशन सांताक्रूज ईस्ट में है। सांताक्रूज याद रखना, सांताक्रूज ईस्ट में है मुंबई में, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी है ये मुंबई में है। और इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर नोट करने, इन लोग का व्हाट्सअप भी है नंबर में। सो गाइज, ये थी 5 बेस्ट कंसल्टेंसी जो एजेंसी है मुंबई में, मुंबई के अंधेरी में, सांताक्रूज में, ईस्ट वेस्ट में जो भी है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ और यहाँ पे पूरा आपको लाइन बाई लाइन दिखा दिया हूँ। ये लोग का ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भी भाई कुछ जो भी फ्रेशर हैं या फिर जो आ चुके हैं एक अच्छे कंसल्टेंसी के तलाश में हैं और उनको अच्छा एजेंट नहीं मिल रहा है, कभी भी याद रखना जो बीच में जो एजेंट होता है वो लोग के पीछे कभी भी नहीं पड़ना। जो बीच में जो एजेंट होता है वो आपसे बहुत जो दलाल होता है वो आपसे बहुत पैसा खा जाएगा, 20,000-50,000 खा लेगा आपका। जो ऑफिस है आप डायरेक्ट ऑफिस से ही बात करें, अगर आप ऑफिस के जरिए जा रहे हैं तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ तक कि फ्री रिक्वायरमेंट जो होता है, सिर्फ आपको टिकट का पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, या तो फिर सिर्फ आपको मेडिकल करना पड़ेगा, जो गम का मेडिकल होता है वो करना पड़ेगा, बाकी का जो थोड़ा बहुत खर्चा आपका जाने आने का रहेगा वही करना पड़ेगा, बाकी सब कंपनी के जरिए ये लोग भिजाते हैं। इतनी अच्छी एजेंसी है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये थी आज की टॉपिक, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो का अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरीके का मैं आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी के बारे में बताता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और मेरे तरफ से जो भी होगा मैं ईमानदारी की तरफ से आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा जॉब से रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।